आइए देखते हैं राजस्थान में 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक कैसा रहेगा मानसून का प्रदर्शन, ये हम जानेंगे आज के इस ताजा बुलेटिन में। यह बारिश का मौसम राजस्थान के दक्षिणी संभाग के लिए अभी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति राजस्थान के पूर्वी और मध्य राजस्थान के लिए भी बनी रह सकती है, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी जिलों के लिए अभी भी मानसून वैसा का वैसा ही बना हुआ है। अभी भी यहां पर बारिश की ऐसी कोई संभावना नहीं जताई जा रही है। कुछ ऐसी ही स्थिति उत्तरी राजस्थान के लिए भी बनी हुई है, वहां पर भी अभी जो है किसान भाइयों को गर्मी से कोई राहत अभी मिलने वाली नहीं है। केसरिया रंग में जो जिले दिखाई दे रहे हैं वहां पर 40 mm से लेकर 80 mm तक बारिश होने की संभावना है, अर्थात भारी बारिश होने की संभावना जताई जाती है। इसमें आने वाले जिले निम्न प्रकार हैं। इसमें दक्षिणी राजस्थान का बांसवाड़ा जिले का घाटोल तहसील, चित्तौड़गढ़ की चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ का बड़ी सादरी, चित्तौड़गढ़ का बदेसर तहसील, रावतवाटा तहसील, निम्बाहेड़ा तहसील में अभी अच्छी बारिश की संभावना है। और कुछ ऐसी ही स्थिति पूर्वी राजस्थान के दौसा जिले की बसवा तहसील, महवा तहसील और डूंगरपुर जिले की जोठारी, सबला तहसील, डूंगरपुर में ही बिछवाड़ा तहसील, डूंगरपुर जिला, असपुर, इन क्षेत्रों में अभी अच्छी बारिश की संभावना है। इसमें हाड़ौती क्षेत्र के झालावाड़ जिले की पचपदरा तहसील, करौली के टोड़ा भी, कोटा का पीपलदा कला, नागौर जिले का डेगाना, मकराना तहसील, परवासर तहसील, पाली जिले की बाली तहसील, प्रतापगढ़ जिले की धारीवाड़, छोटी सादरी तहसील, प्रतापगढ़ जिला, सिरोही जिले का पिंडवारा, आबू रोड, उदयपुर जिले का वल्लभगढ़ नगर, जाड़ो, कोटरा, खेरवारा, इन तहसीलों में अभी अच्छी बारिश की संभावना है। उदयपुर में ही गोगुंदा तहसील, सरदा, उदयपुर जिला, लसाड़िया तहसील, सालूमबर, सेमरी, इन क्षेत्रों में अभी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे तेज बारिश के मौसम में किसान भाइयों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भारी बारिश के कारण आपकी फसलों में नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप खेतों में उचित जल निकास की व्यवस्था करें और फसलों का समय से अनुसार सर्वेक्षण करते रहें। अब पीले रंग में जो जिले दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर 20 mm से लेकर 40 mm तक प्रतिदिन मध्यम बारिश की आशंका जताई जा रही है। इसमें आने वाले जिले निम्न प्रकार है। इसमें है धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, नागपुर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर, यहाँ के किसान भाइयों के लिए काफी राहत भरी खबर है। यहाँ पर मध्यम बारिश होने के कारण फसलों को एक नई संजीवनी मिल सकती है। यहाँ पर फसलों की अच्छी बढ़वार आएगी और सही समय पर खाद प्रबंधन करते रहें। अब जो तोता रंग में जो जिले दर्शाए जा रहे हैं यहाँ पर 5 mm से लेकर 20 mm तक हल्की बारिश से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। इसमें आने वाले जिले निम्न प्रकार है: अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर, इन क्षेत्रों में अभी हल्की बारिश से लेकर मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे बारिश के मौसम में समय अनुसार आप अपनी फसलों पर कीटनाशक दवाओं और फफूंदनाशक दवाओं का फसलों पर छिड़काव करते रहें। अब जो अंत में हरे रंग में जो जिले आपको दिखाए जा रहे हैं वहां पर अभी फिलहाल ऐसी बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। यहाँ के किसान भाइयों को अच्छी बारिश के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। फसलों के अनुसार सिंचाई का प्रबंधन करते रहे। जिन क्षेत्रों में अभी भारी बारिश और मध्यम बारिश की संभावना है वहां के किसान भाइयों को उनकी फसलों जैसे कपास, प्याज, टमाटर, बैंगन और मिर्च, इन फसलों पर फफूंद जनित रोग और विषाणु जनित रोग और रस चूसक कीट की समस्या आ सकती है। इसके लिए समय अनुसार दवाओं का छिड़काव करते रहिए। फिर भी अगर ज्यादा समस्या आती है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां से एग्रोस्टार का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप एप्लीकेशन के अंदर प्रवेश करते हैं वहां पर आपको ऑनलाइन गोल्ड वीडियो बैनर दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करके आपको सभी फसलों के वीडियो दिखाई देंगे। ऐसे ही ताजा नवीनतम अपडेट के लिए बने रहिए एग्रोस्टार गोल्ड के साथ। धन्यवाद।